हेलो, आज हम लोगो के बारे में बात करेंगे। लोगो एक आसान और सरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग स्टूडेंट्स और बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए किया जाता है। लोगो लैंग्वेज एक्चुअली एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प से डिराइव किया गया है। लोगो एक ग्रीक शब्द लोगो से लिया गया है। लोगो का डिज़ाइन किया गया था 1967 में और इसको डिज़ाइन करने वाले थे वैली फ्यूर्जिक, सेमोर पैपर और सिंथिया सोलोमन। 1940 में एक एजुकेशनल रोबोट डिज़ाइन किया गया था। यह टर्टल या कछुए जैसा दिखता था और इसका उपयोग ट्रेनिंग के लिए किया जाता था। इसी रोबोटिक टर्टल को लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता था। यह रोबोटिक टर्टल एक कागज़ पर चलता था। यह एक पेन पकड़ सकता था और कागज़ पर घूमते हुए लकीरें खींच सकता था। अब उस वक्त इस रोबोटिक टर्टल को बनाने और उन्हें कंप्यूटर से जोड़ना बहुत महंगा था, पर जैसे ही मॉनिटर्स का आविष्कार हुआ और वह थोड़े सस्ते हुए, तो लोगो एक रोबोटिक टर्टल की बजाय कंप्यूटर स्क्रीन पर एक आर्टिफिशियल रोबोट को कंट्रोल करने लगा। आज यह टर्टल केवल एक छोटा ट्रायंगल या एरो है जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर चल सकता है। लोगो के साथ आप सिंपल शेप्स और डिजाइन बना सकते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। लोगो एक सरल, आसान और मजेदार लैंग्वेज है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बेसिक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह हमें मैथ्स में ज्योमेट्री जैसे एंगल्स, ग्राफ्स को समझने में भी मदद करता है। लोगो के कई अलग अलग वर्जन्स हैं। इसके दो कॉमन वर्जन्स हैं, यूसीबी लोगो और एमएसडब्ल्यू लोगो। आप इसको गूगल कर सकते हैं और दोनों को इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप इन्हें डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट आइकन बना देगा, या आप इसे सर्च बार पर टाइप करके भी ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप लोगों के आइकन पर क्लिक करते हैं तो दो विंडोज एक के ऊपर एक खुल जाती हैं। इन दो विंडो का नाम है ग्राफिक स्क्रीन और कमांड विंडो। ग्राफिक स्क्रीन कमांड विंडो के ऊपर होती है। यह वो एरिया है जहां हम अपनी पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं या टर्टल अपने पेन के साथ मूव कर सकता है। इस ड्रॉइंग एरिया के सभी पार्ट्स को अब हम समझ लेते हैं। इस विंडो के सबसे ऊपर एक टाइटल बार होता है। इस पर एमएसडब्ल्यू लोगो का आइकन और फाइल का नाम लेफ्ट साइड पर होता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन राइट साइड पर होता है। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है जिसमें कई चॉइसेस होती हैं, जैसे कि फाइल जिसमें ऑप्शंस हैं हमारे प्रोग्राम या प्रोसीजर्स को सेव या लोड करने की। फिर है बिट मैप जिसमें ऑप्शंस हैं हमारी पिक्चर्स को लोड, सेव और प्रिंट करने की। फिर है सेट जिसमें हैं ऑप्शंस फॉन्ट, पेन, साइज, कलर्स आदि को चेंज करने की। फिर आता है जूम जो स्क्रीन को जूम इन या जूम आउट करने में हमारी मदद करता है। आखिर में है हेल्प, अगर आप कहीं अटक जाएं, तो इसमें ऑप्शंस हैं आपकी मदद करने को। ग्राफिक स्क्रीन के सेंटर में जो छोटा सा ट्रायंगल होता है उसे टर्टल कहा जाता है। इस टर्टल के टॉप पॉइंटेड एंड को उसका हेड कहते हैं और इसके नीचे के चौड़े भाग को टेल कहते हैं। स्क्रीन पर ड्राइंग्स करने के लिए हम कमांड्स टाइप करते हैं जो इस टर्टल को कंट्रोल करता है। कमांड विंडो हमें ज्यादातर ग्राफिक स्क्रीन के नीचे दिखाई देती है। यह वो जगह है जहां हम कमांड्स लिखेंगे टर्टल को कंट्रोल करने के लिए। अब हम इस कमांड विंडो के सभी पार्ट्स को समझ लेते हैं। इस विंडो के ऊपर भी एक टाइटल बार है जिसमें एमएसडब्ल्यू लोगो आइकन और कमांडर नेम लेफ्ट साइड पर होता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन राइट साइड पे होता है। इसके नीचे है कमांड बॉक्स, इसको रिकॉल लिस्ट या आउटपुट बॉक्स भी कहा जाता है। यह वो बॉक्स है जो हमारे एंटर किए गए सभी कमांड को लिस्ट या स्टोर करता है। यह कुछ कमांड्स के रिजल्ट भी दिखाता है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस। इनपुट बॉक्स कमांड विंडो के नीचे दिखाई देता है और यहाँ हम अपने कमांड्स टाइप करते हैं। कमांड विंडो के राइट में 8 कंट्रोल बटन्स हैं। इनमें से कई टॉगल बटन्स हैं, यानी कि जो ऑन ऑफ होते हैं। जब हम लोगो कमांड सीखेंगे तब हम इन बटनों को यूज करेंगे, पर अभी हम ये जान लेते हैं कि ये करते क्या हैं। हॉल्ट बटन टर्टल की एक्शंस को रोकने के लिए यूज किया जाता है।
ट्रेस से डीबग चालू या बंद कर सकते हैं। पॉज से टर्टल की एक्शन को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है। स्टेटस से हम स्टेटस विंडो को शो या हाइड कर सकते हैं। स्टेप से हम सिंगल स्टेप डीबगिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। रीसेट का इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन पर सब कुछ मिटाने या इरेज करने के लिए और टर्टल को वापस होम पोजीशन पर लाने के लिए। एग्जीक्यूट हम यूज करते हैं हमारे कमांड्स को रन करने के लिए। एड ऑल एडिटर विंडो को ऊपर लेकर आता है जहां पर हम सेट ऑफ कमांड्स को लिख या राइट कर सकते हैं। जब हम लोगो स्टार्ट करते हैं तो टर्टल ग्राफिक स्क्रीन के सेंटर में होता है। टर्टल की इस पोजीशन को टर्टल की होम पोजीशन कहा जाता है। लोगो की ग्राफिक या ड्राइंग स्क्रीन वास्तव में एक ग्राफ की तरह होती है और टर्टल इस ग्राफ के सेंटर में जहां एक्स और वाई एक्सेस मिलते हैं वहां स्थित होता है। अब ये टर्टल होम पोजीशन की चारों दिशा में 250 स्टेप्स या कदम चल सकता है। यदि आप इसे 250 कदम से ज्यादा मूव करने को कहेंगे तो वह लपेट करके दूसरी दिशा से वापस आ जाता है, यानी कि अगर आप राइट साइड की ओर भेजेंगे तो वह लेफ्ट साइड से निकल आएगा और अगर ऊपर से भेजेंगे तो नीचे से वापस आ जाएगा। अब टर्टल का जो हेड है वो हमें बताता है कि टर्टल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस डायरेक्शन को हम RT या LT कमांड से चेंज कर सकते हैं। जल्दी ही हम टर्टल को मूव करने के लिए अलग अलग कमांड सीखेंगे। लोगों से बाहर निकलने के लिए या एग्जिट करने के लिए हम इनपुट बटन में बाय टाइप करके और फिर एग्जीक्यूट बटन को प्रेस कर सकते हैं, या हम फाइल मेन्यू में से एग्जिट बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ग्राफिक विंडो के टाइटल बार के क्लोज बटन को भी दबा देते हैं तो हम लोगों से बाहर निकल सकते हैं। तो अब बारी आती है कमांड सीखने की। हमारे अगले दो वीडियोस में हम लोगों के सभी कमांड्स को सीखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।